आईपीएल में कई टीमों से खेल चुके तेज गेंदबाज ईशान शर्मा 23 मार्च से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के 12वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। दिल्ली के तेज गेंदबाज ने कहा, घरेलू दर्शकों के सामने खेलना एक गर्व की बात है। उनको दिल्ली ने आईपीएल के लिए हुई नीलामी में 1.10 करोड़ रुपये देकर खरीदा था। वहीं सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने कहा, मेरे लिए कोटला एक मैदान से बढ़कर है। मैंने यहाँ अंडर 17 से लेकर अपनी सारी क्रिकेट खेली है। मैंने सभी मैच यहाँ खेले हैं, इससे मेरी कई यादें जुड़ी है। शर्मा ने कहा, केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली के लिए खेलने वाले हर खिलाड़ी के लिए कोटला एक याद है, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। शर्मा ने कहा, मुझे 12 वर्षों के बाद अपनी घरेलू टीम के लिए खेलने का मौका मिला है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस साल हम ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली इस साल चैंपियन बन पाएगी या नहीं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट की ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।